दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा लेनोवो के नोट 4 में या फिर लेनोवो के 8 या फिर के 8 प्लस में जो लेफ्ट साइड में जो म्यूजिक की दिया गया है उसका कुछ हिडन सेटिंग। और हो सकता है आपको इसके बारे में पहले से पता है, फिर भी इस वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल स्टेप बाई स्टेप पूरा ट्यूटोरियल में बारीकी से आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो इसके लिए तो मैं जाके दिखाता हूँ कि सबसे पहले सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद उसके बाद आपको नीचे आना है। और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में है डबल क्लिक नेक्स्ट, और सबसे पहले देखिए म्यूजिक कंट्रोल, ठीक है। तो ये बेसिकली म्यूजिक की का मतलब ये है, बेसिकली आप अगर इसे लंबा प्रेस करोगे तो आपके फ़ोन में जो म्यूजिक है वो ऑटोमेटिक बजना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ इसका कुछ जेस्चर दिया गया है, जेस्चर्स जैसे कि म्यूजिक कंट्रोल डबल क्लिक नेक्स्ट, यानी कि अगर आप इस म्यूजिक की को प्रेस करके आप गाना सुन रहे हो तो गाना सुनने के वक्त अगर आप इस म्यूजिक की को दो बार क्लिक करोगे एक साथ तो क्या होगा कि नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट अगला जो गाना है वो चालू हो जाएगा। और अगर आप तीन बार क्लिक करते हो तो क्या होगा कि जो गाना आप सुन रहे हो उसका पहले जो गाना है वो प्ले होगा। और ये है म्यूजिक कंट्रोल के बारे में। और लेकिन यहाँ पे क्या आपको पता है कि आप इस म्यूजिक की के मदद से आप म्यूजिक के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि मेरा देखिए यहाँ पे सबसे पहले है प्रेस एंड होल्ड फॉर म्यूजिक की, और यहाँ पे नीचे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, प्ले पॉज म्यूजिक, स्टार्ट टॉर्च, स्टार्ट कैमरा, स्क्रीन शॉट, स्टार्ट ऐप, नान। तो अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आपको नान पे क्लिक करना है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी बंदा अगर आपका फ़ोन लेके म्यूजिक को बार बार प्रेस करेगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप मान लो कि आप बार बार म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, और या फिर अगर आप बार बार सेल्फी लेना पसंद करते हो, तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले फ़ोन को अनलॉक करना होता है और उसके बाद आपको उस ऐप को जाके कैमरा ओपन करना होता है सेल्फी लेने के लिए, और इसमें आपका बहुत सारा टाइम यूँ ही नष्ट होता है। तो इसके लिए इस सेटिंग दिया गया है। लेकिन अगर आप सेल्फी लवर हो तो आप क्या कीजिएगा, स्टार्ट कैमरा पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप म्यूजिक लवर हो तो आप यहाँ पे प्ले पॉज म्यूजिक पर क्लिक कर दीजिएगा। इसमें क्या होगा, अब आपके फ़ोन को बिना अनलॉक करके आप इस जो म्यूजिक की दिया गया है उसको प्रेस करके आप आसान से म्यूजिक सुन सकते हो या फिर कैमरा ओपन कर सकते हो। और अगर आप जैसे कि मेरा पहला था स्टार्ट टॉर्च, तो अगर क्या होगा कि अगर आपका स्टार्ट टॉर्च पे रहेगा तो आप जैसे म्यूजिक को लंबा प्रेस करके रखोगे तो आपका टॉर्च ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें आपको फ़ोन अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, स्टार्ट ऐप पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऐप लिस्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके फोन में जितना ऐप है सब आ जाएगा, और आप जिस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना। जैसे मान लो मेरा है व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद हो गया। तो लेकिन मेरा तो फेवरेट है स्टार टॉर्च, क्योंकि मुझे टॉर्च की बहुत ज़रूरत होता है। तो थैंक यू, इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखा और आपका महत्वपूर्ण टाइम देखे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपने देख लिया है तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करो अगर पसंद आया।